इंदौर शहर के सभी परिवारजन, सारे जनप्रतिनिधि, भगवान से मैं कामना करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज अखबारों में सबने खबरें पढ़ी, उसमें एक जो मुख्य बातें आई कि हमारी 21% की दर से कोरोना इंदौर शहर के अन्य हिस्सों में भी फैल रहा है। साथ ही साथ 8000 जो टेस्ट हुए वो पेंडिंग पड़े हैं। हमारी जो टेस्ट की किट वगैरह होती है, इक्विपमेंट मेडिकल, वो सब समाप्त हो गए, ये भी अखबारों में एक तरह से आया है। साथियों, मैं बार बार ये आगाह करता था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इंदौर में अपना कैंप बनाना चाहिए। ये हमारी स्थिति चाइना के हुआन शहर से भी ज़्यादा बदतर हो गई है, ये संकेत है इन सब बातों के। मेरी हंसी उड़ती थी, मैंने मांग की देश के प्रधानमंत्री से कि एक टीम आप यहाँ भेजो। टीम तो आई, पर टीम ने जो प्रशासन ने बताया वो देखा। उसकी मूल भावना थी कि यहाँ संसाधनों की कमी की अवेलेबिलिटी कराए, उसमें वो टीम भी अक्षम रही। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो विज्ञापन से रोज जनसंपर्क के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं व्यस्त हूँ, पर भाई साहब, इससे व्यस्तता से आप ये कोरोना की जंग नहीं जीत सकते। मैंने आपसे आग्रह किया कि जितनी टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो इंदौर शहर में कराओ, और दूसरा, टेस्ट की जो पेंडेंसी है वो सही तरीके से सही समय पर आए, जिससे हम इस लड़ाई से जीत सकते। मेरा आपसे आग्रह है कि फिर से आप अपना हेडक्वार्टर इंदौर बनाएं। मेरा आग्रह है कि जितने भी टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसको करने की प्रोसेस करें। मेरा आग्रह है कि सही समय से टेस्ट की रिपोर्ट आए, और मेरा आग्रह है कि गरीब लोगों में, और खासकर मिडिल क्लास, मैं जब मिडिल क्लास कहता हूँ तो उस पर ध्यान है, मध्यम वर्गीय परिवारों में राशन समाप्त हो गया, उसकी अवेलेबिलिटी सही समय पर कराएं, तो लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपसे आग्रह है सब इंदौर शहर के वासियों से, प्रशासन के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। कोई परिवार में ऐसा व्यक्ति दिखता हो या आसपास दिखता हो तो उसको प्रशासन और मेडिकल लाइन में लेके जाएं। ये जंग आप और हम जीतेंगे, 101% पर जागेंगे तो जीतेंगे। पर हम सिर्फ बातों में, एक जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि मुख्यमंत्री से ये जो मैंने डिमांड की आप भी करें। ये मेरी और तेरी पार्टी का सवाल नहीं है, हमारे अपने इंदौर शहर का सवाल है। 60 लोग चले गए हैं, कितने जाएंगे तब हम जागेंगे, ये सवाल हमसे पूछेगी आने वाली पीढ़ी या हमारे परिवारजन। कृपया करके मुख्यमंत्री को आप सब भी ये निवेदन करें कि इंदौर को गंभीरता से लें, सिर्फ भाषण और विज्ञापन में नहीं। धन्यवाद।